पहाड़ों में मौसम सर्द है लेकिन चुनावी चर्चाएं जरूर गर्म है। और हम हैं इस वक्त रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग विधानसभा में और मैं इस वक्त सुमाड़ी गांव के पास हूं। सबसे पहले तो देखिए कितना खूबसूरत गांव है रुद्रप्रयाग का सुमाड़ी, और तिलबड़ा के करीब पड़ता है। रुद्रप्रयाग शहर से अगर बात करें तो महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज हम यहाँ पर आए हैं जानने और टटोलने जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है विधानसभा के चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार बड़े बड़े मंत्रियों के दौरे हैं, विधायक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपने पक्ष वोट अब मांगने की अपील कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके का मूड है सुमाड़ी रुद्रप्रयाग के, इस गांव के करीब हम हैं और रुद्रप्रयाग विधानसभा में किस तरीके का मूड है जनता का, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे। भाई साहब आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनलाल शाह। धनलाल जी अभी चुनाव है जी, क्या सोच रही है रुद्रप्रयाग की जनता? क्या सोच रहे हुए? ये सोच रहे हैं कि कोई अच्छा प्रत्याशी मिले हमको, जिले का विकास हो, यही सोच रहे। और क्या सोच रही जनता? 2017 में तो भाजपा के विधायक जीत के आए, इन 5 साल का कामकाज कैसा देखते हैं आप? ठीक ही रहा होगा, हमें तो कुछ नहीं मिला, पर जैसे भी होगा वो ठीक ही रहा होगा हमारे तरफ से। नहीं था अच्छा, एक बार फिर से भाजपा ने उन्हीं को टिकट दिया है तो किस तरीके का मूड है आपका? आप सीनियर सिटीजन है। देखिए भाजपा के पास इसमें फिलहाल तो विकल्प कोई था भी नहीं, कोई विकल्प थे और फिर ऐसा कि सिटिंग विधायक थे, पिछली बार वो लगभग अबाउट 55,000 वोटों जीते थे, तो इस वजह से भी उनका टिकट बनता था, इसलिए टिकट दिया गया। इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है यहाँ पर। वो तो कांग्रेस की मर्जी है, वो किसको बदले किसको रखे, जिसका देखा होगा उनका जनाधार अच्छा है तो उसको रखा। समित थपलियाल को टिकट दिया है और दूसरी तरफ भरत चौधरी हैं सिटिंग विधायक, किस तरीके की टक्कर देख रही है जनता? कांटे की टक्कर होगी सर, चौधरी जी विधायक तो अच्छे ही थे पर उतने अच्छे तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि जैसे जिस हिसाब से हम उनको पहले मिलते थे तो अब उतरने के लिए वो गाड़ी से तैयार नहीं है, भले हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त थे वो, पर अब तो शायद दोस्त ही रह जाएंगे। अभी 14 फरवरी का इंतज़ार है। हाँ 14 फरवरी को पता चल ही जाएगा कि नई सरकार तो किसकी बनेगी, क्या बनेगी, मगर नया विधायक कौन होगा, हो सकता है नया चेहरा उभरे, उभरना भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम अंकल? मेरा नाम लखपत सिंह है। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने तो तमाम चुनाव देख लिए, अब ये 5वां चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहा है, रुद्रप्रयाग की सीट पर क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? समीकरण तो ऐसा है साहब, तो वैसे तो मोदी जी से हमारी कोई नाराजी नहीं है, मोदी जी से और इनसे कोई नाराजी नहीं है, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है भाजपा का वो ठीक नहीं है। इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया, पिछली बार लक्ष्मी राणा यहाँ पर प्रत्याशी थी, वो हार गई थी, इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिया, तो क्या देख रहे हैं फिर सीट पर, क्या लग रहा है? तो ऐसा है साहब कि वो तो उनका जन आधार आधारित सही है ये चलेगा, लेकिन वैसे कैंडिडेट तो ठीक ही है। बिल्कुल, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हम यहाँ पर क्योंकि मार्केट भी है सुमाड़ी गांव के बेहद करीब, क्योंकि खूबसूरत गांव है सुमाड़ी, उसके बाद मार्केट है, पूरी चहल पहल रहती है मार्केट में, और तमाम लोग जो है यहाँ पर हमें मिलेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि असल ग्राउंड पर जनता क्या सोच रही है, और यही ग्राउंड रिपोर्ट और हम जानना चाहते हैं कि रुद्रप्रयाग जहाँ पर कि जब चुनाव है उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग की जनता का क्या मूड है, क्या सोच रही है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रुद्रप्रयाग की सीट को किस तरीके से इस बार देख रहे हैं? सर मेरा नाम दीवान सिंह रावत। रुद्रप्रयाग की सीट सर ऐसा है, इस बार दावेदार काफ़ी हैं और अभी सोच रहे हैं सर इस बार में, अभी देखते हैं कि भाई कौन अभी बोलते क्या हैं, करते क्या हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई कथनी और करनी किसकी जो है मिलती जुलती है, उसके बाद ही निर्णय ले पाएंगे। भाजपा ने तो अपने सिटिंग विधायक को ही एक बार फिर से प्रत्याशी बना दिया, कांग्रेस ने बदल दिया, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं आपकी सीट पर? सर भाजपा ने जिनको इस समय टिकट दिया है वो सिटिंग MLA हैं और उनके खिलाफ लोगों के मन में बहुत आक्रोश है इस समय, और जनता इस समय बदलाव चाहती थी। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न अभी उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, रोजगार है, पलायन यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये सभी सवाल लेकर जनता इस समय वोट देगी और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह इस समय के MLA पे भी उठते हैं। यानी कि 14 फरवरी का इंतजार है देखिए रुद्रप्रयाग की जनता को, और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए भाई साहब क्या देख रहे हैं इस बार, किस तरीके के समीकरण सीट पर हैं, क्या सोच रहे हैं? इस समय हमारे क्षेत्रीय पार्टी आएगी, इस समय UKT जो कि यहाँ के भाई मोहित भाई जी जो कि प्रयास करने पर लगे हुए हैं,
समाज सेवा में लगे हुए हैं, निरंतर उन्होंने 3-4 सालों से समाज सेवा काम कर रहे हैं और गरीबों का असहायों का घर बनाया है उन्होंने अपने जन अधिकार मंच के माध्यम से। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल है और यहाँ पर मोहित डिमरी इस वक्त जो है प्रत्याशी हैं, आप क्या देख रहे हैं सीट पर, किस तरीके के समीकरण, और क्योंकि जिक्र हुआ पलायन है, स्वास्थ्य की सेवाएं वो बेहतर नहीं हो पाई। देखिए सर भाई, भाजपा और कांग्रेस भी बार बार हम देखते चले आ रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है नए आदमी को जो है मौका दिया जाए, और सबसे बढ़िया यंग जो लड़का है इस समय जो है मोहित डिमरी है, इससे यंग कोई नहीं है, और बाकी तो सब अपने अपने काम में लगे हुए ही हैं। और हमने जो है भाजपा भी देखा है, लगभग बहुत सालों से भाजपा भी देख रहे हैं, बदलता रहता है, कभी कांग्रेस आती है कभी भाजपा आती है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि इस बार जो है UKD को ही, या अगर अन्यथा ये अगर मोहित जो है अन्यथा भी होते, मतलब निर्दलीय भी लड़ते, तब भी हम मोहित के साथ थे लगभग। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो, मुझे लगता है कि इस बार रुद्रप्रयाग सीट होने वाली है। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ UKD जो क्षेत्रीय दल हैं और जो प्रत्याशी हैं मोहित डिमरी, उनके लिए भी इस बार जो है लोग कह रहे हैं कि एक युवा प्रत्याशी को जीतना चाहिए। तमाम और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। भाई साहब आप बताइए क्या नाम है आपका, अब 14 फरवरी को मतदान है और रुद्रप्रयाग इंटरेस्टिंग सीट बनती जा रही है। जी सर, मेरा नाम धीरेंद्र सिंह है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत है, रोडें भी सही नहीं है, ये रोजगार भी सही नहीं है, इसके लिए से दिक्कत पड़ रही है सर। भाजपा के प्रत्याशी तो वही हैं भरत चौधरी, कांग्रेस ने बदल दिए, मोहित डिमरी UKD से हैं, किस तरीके के समीकरण आपकी विधानसभा में इस बार? सर यही तो सही रहेगा, अभी देखेंगे सर BJP रहेगी या किस सरकार रहेगी सर, वही देखेंगे सर। देखिए तमाम लोगों की अलग अलग राय है और जिस तरीके से हर कोई अपने अपने सोच रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ नहीं हुआ, ये तमाम चीज़ें हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम लक्ष्मी चंद्र रमोला है सर। रमोला जी, क्या है इस बार रुद्रप्रयाग की सीट पर? रुद्रप्रयाग की सीट पर जो है स्थानीय मुद्दे चलेंगे, इस समय जो उत्तराखंड क्रांति दल का जल जंगल जमीन वाला जो मुद्दा है उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे जी। इस बार आप UKD को वोट देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग है, अब अगर हम बात करें तो भाजपा ने एक बार फिर से भरत चौधरी पर ये विश्वास जताया है और यहाँ से थपलियाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पिछली बार लक्ष्मी राणा थी, उनको इस बार टिकट नहीं मिला, और इसके साथ ही UKD से मोहित डिमरी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 14 फरवरी का सभी को इंतज़ार है और इस तरीके से हम हर एक सीट पर देख रहे हैं कि क्या इस बार जनता का मूड बन रहा है। और आज हमने रुद्रप्रयाग के करीब जो सुमाड़ी गाँव है जो बहुत खूबसूरत है, वहाँ के आसपास के लोगों से रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट पर ये जानने की कोशिश की, मिली जुली प्रतिक्रियाएँ हैं। हालांकि अब 14 फरवरी को इन सब लोगों के मत देंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस सीट पर क्या कुछ सामने निकल कर आता है। अपने सभी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, रुद्रप्रयाग। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।